ताकि सत्र सही ढंग से चल सके। और वहीं भजन लाल सरकार ने अयोध्या में भगवान श्री राम के उद्घाटन के दिन 22 जनवरी को प्रदेश में आधे दिन की छुट्टी की घोषणा की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सभी सरकारी दफ्तर दोपहर 2:30 बजे तक बंद रहेंगे। दरअसल ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि कर्मचारियों द्वारा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को घर में परिवार के साथ बैठकर देखा जा सके, उन्होंने सबने इच्छा जताई थी और इसलिए इस इच्छा पर गौर किया गया और आधे दिन राजस्थान में सरकारी ऑफिसर्स में या हर जगह पर आधे दिन छुट्टियां रहेंगी ताकि सभी अपने परिवार के साथ सुबह के दिन जब 22 तारीख को रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे और प्राण प्रतिष्ठा का जब कार्यक्रम चलेगा तो सभी पूरे देश में देख सकें। उसके साथ ही राजस्थान की सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है, कई मंत्री विधायक इस मंदिर के लिए भी जाएंगे 22 जनवरी को भजन लाल सरकार में। तो और बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को बड़ी खुशखबरी देने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि जैसा राजस्थान बनाने की सोच रहे हैं उस पर बहुत बड़ी खुशी आने वाली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जैसा राजस्थान बनाने की सोच रहे हैं उस पर बहुत ही बड़ी खुशी आने वाली है। गोपाल शर्मा का बड़ा स्टेटमेंट, ऐसी खुशखबरी जो किसी प्रदेश के लिए सालों तक याद की जाएगी, बड़ी सुखद चीज राजस्थान में आने वाली है। ये खुशखबरी लोकसभा चुनाव से पहले मिलेगी, लेकिन क्या है वो, इस बात का अभी सस्पेंस बरकरार है। लेकिन बड़ी खुशखबरी है, ये बड़ा स्टेटमेंट पास किया गया है विधायक गोपाल शर्मा के द्वारा और ये भी बोला गया कि लोकसभा चुनाव से पहले ये खुशखबरी मिल जाएगी। बहुत उत्साहजनक बैठक हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी के, माननीय अध्यक्ष महोदय के, इनके उद्बोधन से विधायकों के अंदर बहुत जोश का संचार हुआ है और यह जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है इसके ऊपर भी अभी काम चलने वाला है। मुख्य रूप से ये है कि हम जैसा राजस्थान बनाने वाले हैं उसमें केवल यही संकेत मिला है कि कोई इतनी बड़ी खुशी आने वाली है जो किसी भी प्रदेश के लिए बरसों तक याद किए जाने वाली होती है। अब वो क्या है ये तो पता नहीं है, लेकिन उसका महत्व तो ये समझ सकते हैं कि एक कोई बड़ी सुखद चीज़ राजस्थान में होने वाली है। बहुत उत्साहजनक बैठक हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी के, माननीय अध्यक्ष महोदय के, इनके उद्बोधन से विधायकों के अंदर बहुत जोश का संचार हुआ है और यह जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर राजस्थान सरकार एक्शन मोड में आ गई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सेंटर वॉर रूम में दिन भर बैठकें चली। बैठकों में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार पर जोरदार पलटवार करने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट देखिए। विधानसभा चुनावों के बाद अब कांग्रेस पूरी तरह से बीजेपी को घेरने की तैयारियों में जुटी है। लोकसभा चुनावों में कांग्रेस बीजेपी के घोषणा पत्र में किए गए वायदे और उनकी हकीकत को जनता के बीच में लेकर जाएगी। पीसीसी में विधानसभा चुनावों की हार की मायूसी के बाद पहली बार मैराथन बैठकें आयोजित की गई हैं। दिन भर चली बैठकों के दौर में प्रदेश इलेक्शन कमेटी, कोऑर्डिनेशन कमेटी, पार्लियामेंट कमेटी और स्क्रीनिंग कमेटी के पदाधिकारी शामिल हुए। एआईसीसी को कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ लोकसभा कोऑर्डिनेशन कमेटी, इलेक्शन कमेटी, पार्लियामेंट कमेटी के सभी प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित रहे। बैठक में आगामी लोकसभा चुनावों में पार्टी की मजबूती और कमजोरियों पर गहनता से चर्चा हुई। कांग्रेस आलाकमान के निर्देशानुसार विधानसभा चुनावों में रही खामियों को दूर करने और बीजेपी की वादा खिलाफी को लेकर कांग्रेस पूरी तैयारी से चुनाव में उतर रही है। कांग्रेस राम मंदिर के नाम पर बीजेपी को घेरने के साथ साथ बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था, आर्थिक अनियमितताएं, महिला उत्पीड़न जैसे मामलों में बीजेपी पर हमला करने की तैयारी में है। तो पीसी मीटिंग में सुझाव आए हैं कि क्या करना चाहिए, किस तरह से हमारी रणनीति होनी चाहिए, ये हमारे सुझाव हमने दिए हैं और उसके आगे अभी कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग होगी, उसके बाद में कोऑर्डिनेटर जो लगा है उनकी मीटिंग होगी और उसके बाद में हमारा पूरा मसूदा तैयार हो जाएगा। सत्ता पक्ष चाहता है कि सदन ठीक से चले और कुछ बातें ऐसी है जो पहले सत्ता पक्ष जब विपक्ष में था तो उन लोगों ने ठीक से नहीं चलने दिया सदन को, लेकिन हम ऐसे लोग नहीं हैं। जो सही चीज़ें हैं उन पर हम पूरी मदद करेंगे, लेकिन जो जनता की जो चीज़ें हैं उनको
सत्ता पक्ष की जानकारी में लेके आना, सदन के अंदर उठाना, वो हमारी प्राथमिकता रहेगी। बैठक में लोकसभा चुनावों के प्रत्याशियों की तलाश और राज्य सरकार की नीतियों और बीजेपी के वादों के खिलाफ कांग्रेस नई ऊर्जा नए जोश के साथ मैदान में उतरने को तैयार है। कांग्रेस बीजेपी पर राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का राजनीतिकरण करने का भी आरोप लगा रही है। वहीं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रमुख पीठों के शंकराचार्यों के अनदेखी जैसे कई मामलों में बीजेपी के सत्ता दुरुपयोग के आरोप लगा रही है। लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस बीजेपी को विधानसभा सत्र में ही पलटवार करने की तैयारी में है। जो कांग्रेस ही लड़ेगी, ऐसे कोई गठबंधन की ऐसी बात नहीं हुई है कि बीजेपी से हमारा गठबंधन हो रहा है। कांग्रेस पार्टी जनादर है, कांग्रेस पार्टी का इतिहास है, कांग्रेस का हो सकता है कुछ समय के लिए जाति धर्म क्षेत्रवाद कुछ समय के लिए चलेगा, लंबा नहीं चल सकता है, लेकिन इस देश में कांग्रेस का राज था, कांग्रेस ही राज कर सकती है और सबका विकास। आप गठबंधन पक्ष में? नहीं, बिल्कुल पक्ष में नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश तो सारी बातें सच तो बोलो, पाप कर रहे हैं बीजेपी के लोग। इनकी जो कैबिनेट बैठक है जिसमें जनता को राजस्थान को कुछ नहीं मिला, सिर्फ ये जो बातें कर रहे हैं। छह महीने के लास्ट में जो डिसीजन हुए थे उसमें हर समाज को, दलित वर्ग को, पिछड़े को, गरीब को, उनको सबको हॉस्टलों के लिए जो जमीन मिली थी वही तो कैंसिल किए इन्होंने। आप हमारे फैसले भले ही कैंसिल कर दो, लेकिन जो वादे किए ना आपने भाजपा के संकल्प पत्र, वो वादे तो पूरे करो। पेट्रोल डीजल को सस्ता करो 12 से 13 रुपए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सेंट्रल वॉर रूम में आयोजित बैठक में AICC स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरपर्सन रजनी पाटिल के साथ साथ बैठक में PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी शामिल हुए। न्यूज 18 राजस्थान के लिए राकेश शर्मा की रिपोर्ट। जयपुर नगर निगम ग्रेटर का बजट शोरगुल के बीच पारित हो ही गया। 1000 करोड़ से ज्यादा के बजट पर इस बार मुहर लगी है, लेकिन बीजेपी के पार्षदों ने मेयर पर तीखे शब्दबाण भी चलाए। शहरी सरकार के बजट पर देखिए हमारी रिपोर्ट। शहरी सरकार के आने वाली एक साल की गति कैसी होगी, इसकी रूपरेखा तैयार हो गई है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर की साधारण सभा में 2024-25 के बजट पर मोहर लग गई। बजट समिति की चेयरपर्सन शील धाबाई ने बजट प्रस्तुत किया, जिस पर 3 घंटे की चर्चा हुई। साथ ही आपसी घमासान और शोरगुल के बीच बजट को पारित कर दिया गया। बैठक में 1179 करोड़ रुपए का बजट सर्वसम्मति से पारित हो गया। बैठक में विपक्ष से ज्यादा सत्ताधारी पार्षदों में टकराव नजर आया। मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर और डिप्टी मेयर पुनीत कर्णावट में जमकर शब्दबार चले। मेयर को सत्ता पक्ष के पार्षदों और उप महापौर के ही सवालों का सामना करना पड़ा। वही नेता प्रतिपक्ष राजीव चौधरी को भी बजट पढ़ने का समय नहीं मिला, क्योंकि इस बार बहुत शॉर्ट नोटिस में बैठक बुलाई गई थी। बैठक में स्वच्छता प्रहरी पर जमकर सवाल खड़े हुए। मैं व्यवस्था आपने यहाँ पे चलने का दी है, आप तो नेता धारक के आवर को लंदन कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जी हर सारे बैठक में जाने का कथा को बुलाने का आपने जो करने का समय नहीं दिया, हर बाजक को आपने व्हाट्सएप पे जो इसका नोटिस दिया है। नेता प्रतिपक्ष जी इस पर भी आगे बात करेंगे। वही मेयर सौम्या गुर्जर ने अगली बैठक में हर मुद्दे का समाधान का भरोसा भी दिया, साथ ही सभी सदस्यों के सुझाव पर अमल करने की बात भी कही। आप सकारात्मक चर्चा आज कर रहे हैं, जितना संभव हो आप आज कर लीजिए, अगर बचेगा तो इसके बारे में लास्ट में चर्चा करेंगे। सदन में जो बजट पेश किया गया उसमें दिन आंकड़ों पर भी सवाल उठाए गए। शहर में पेड़ पौधे लगाने के लिए 2.5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, लेकिन खर्च की गई रकम को शून्य बताया गया। कांग्रेस के एक पार्षद ने इस मुद्दे को उठाया तो उद्यान समिति की चेयरमैन राखी राठौर ने भी इसे गलत बताया। बहरहाल निगम का बजट तो पारित कर दिया गया है, लेकिन शहर की स्वच्छता को लेकर अभी भी जयपुर की जनता उम्मीदें कर रही है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महेश धारीज। और वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स पर केंद्र सरकार ने लगाम कस दी है। अब कोई भी कहीं भी और कभी भी प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स नहीं खोल पाएगा, उसे रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कोचिंग सेंटर में 16 साल से कम उम्र के बच्चों को पढ़ाई के लिए नामांकन नहीं होगा उनका, यानी कि 16 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे ही कोचिंग सेंटर में पढ़ाई कर पाएंगे। कोचिंग सेंटर किसी छात्र से मनमानी फीस नहीं वसूल सकेंगे और केंद्र ने ये गाइडलाइन देश भर में
आईआईटी जी और मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों के बढ़ते सुसाइड मामलों और देश में बेलगाम कोचिंग सेंटर्स की मनमानी को लेकर दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के अनुसार आईआईटी जी एमबीबीएस नीट जैसे प्रोफेशनल कोर्स के लिए कोचिंग सेंटरों के पास फायर और भवन सुरक्षा संबंधी एनओसी होनी चाहिए। परीक्षा और सफलता के दबाव को लेकर छात्रों की परेशानी दूर करने के लिए उन्हें मनोवैज्ञानिक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सहायता भी उपलब्ध कराई जाए।